सोलन से लेकर परमाणु तक फोर लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें पहाड़ों और हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ का स्टाटा बिल्कुल कमजोर हो चुका है और पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े पत्थर मौत के दूत बनकर नीचे जा रही गाड़ियों पर अचानक से गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से अभी तक करीबन आधा दर्जन लोगों की जानें जा चुकी हैं और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। सोलन से परमाणु तक फोर लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें पहाड़ों को और हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ का स्टार्ट बिल्कुल कमजोर हो चुका है और पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े पत्थर मौत के दूत बनकर नीचे जा रही गाड़ियों पर अचानक गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक करीब आधा दर्जन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और दर्जनों लोग घायल भी हो चुके हैं। कई पर्यटक बहुत ज्यादा किस्मत वाले होते हैं, जिनकी गाड़ियों पर पत्थर तो गिरते हैं और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त होती हैं, लेकिन बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अनमोल जिंदगी को किस्मत के सहारे छोड़कर मौत का सफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश होने से पहाड़ों से पत्थर गिरने का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। इस बारे में स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहाड़ों की कटिंग अवैज्ञानिक ढंग से हो रही है। पहाड़ों को सीधा 90 डिग्री के एंगल में काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों की पकड़ कमजोर होती जा रही है। साथ लगते पेड़ों के कटने से पकड़ और ढीली हो गई है। यही वजह है कि रोज पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे गुजर रहे वाहनों पर गिर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर बस और एक बड़ी कार में बैठी सवारियां पत्थरों की चोट से घायल हो चुकी हैं, लेकिन सुखद बात ये रही कि कोई जानी नुकसान इन घटनाओं में नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही पहाड़ों से गिरते पत्थरों का कोई स्थायी हल निकाला जाए, ताकि लोगों के अनमोल जीवन को बचाया जा सके। मैं इसके बारे में तो सिंपली ये कहूँगा कि अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो कंपनी GRIL जो यहाँ काम कर रही है, उनको सेफ्टी मेजर्स जो इसके हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि किसी की जान माल का नुकसान ना हो। जैसे अभी कल ही एक जाबली के पास एक बहुत बड़ा एक पत्थर ऊपर से गिरा और एक परिवार, जो पूरा परिवार है, वो दबने से बच गया और कैजुअलिटी से बच गया। हम तो भगवान का शुक्र है। बरसात का मौसम है, इस मौसम में इस तरह की घटनाएं तो होनी है, परंतु जो सेफ्टी मेजर NHAI को जो अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कंपनी को अडॉप्ट करनी है, वो जो है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। मुझे ये जो खड़ी कटिंग हो रही है, जो कटिंग है, जो स्लोप है, जो साइंटिफिक कटिंग नहीं है, इसमें तो ये है कि 32 मीटर रोड एक्वायर्ड है। इसको अगर जैसे चंबा घाट से शिमला के बीच 45 मीटर जो रोड एक्वायर्ड है, अगर इसको 45 मीटर भी कर दिया जाता है, तो कम से कम जो कटिंग है वो ज़्यादा स्लोप पे होगी, डिग्री उसकी जो है वो कम होगी और उससे जो है सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा। तो नुकसान होएगा, क्योंकि जब तक एक दो साल तो होएगा इसमें नुकसान, जब तक पूरा ही बारिश के गिरने वाले पहाड़ है ना, जो मिट्टी चलने वाली है, वो तो आएगी। अभी तक कच्ची है, मिट्टी होगी जैसे मशीन के द्वारा। लोब में कटिंग होनी चाहिए थी, सारी खड़ी कर दी, बिल्कुल खड़ी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा भी जमीन खाली होगी, नीचे से ऊपर से पानी रचेगा और सारा ही सड़क को आ रहा है, मिट्टी वगैरह टोटली। बस कई ऊपर को समले साइड को कुम्हाटी से आगे कई गाड़ियों पर गिरा फैलना, जैसे कई गाड़ियाँ रोंग आ रही है, जैसे देख नहीं रही भी आने वाला पॉइंट है, और पत्थर चले तब भी निकल ही जा रहे अपने रेस में। फिर क्या होता है? काफी दो तीन एक गाड़ी में तो सारे आदमी मर गए थे पहले।